तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में एमन जी हमारे साथ है, और हमारे लास्ट क्लासेस है रात के 11 बजे की, क्योंकि मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो रही है। तो हम XMS एक्सेस की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि MS एक्सेस MIS प्रोफाइल में क्यों यूज किया जाता है। पहले चीज को जानिए, तो ये एमएस एक्सेल बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। एमएस एक्सेल को एज ए रिपोर्टिंग एंड कैलकुलेटिंग टूल बनाया था कि कैलकुलेशंस और रिपोर्टिंग करना है तो आप एक्सेल में कर सकते हैं, और डेटाबेस स्टोरेज के लिए एमएस एक्सेस को चूज किया था। जिस समय एमएस एक्सेस डिजाइन हुआ था उस समय हमारे पास लार्ज डेटा नहीं हुआ करते थे, इसलिए एमएस एक्सेस को चूज किया गया था। तो एमएस एक्सेल साइज 2 GB है, 2 GB में आपका जितने भी नंबर ऑफ डेटा अट जाए। आई थिंक 22 या लास्ट मैंने यूज किया था 22 लाख समथिंग सर मैं डाल लेता हूँ 65,000 तक चला गया था मेरा भी, उससे ऊपर तो मेरा भी नहीं रहा। नहीं, एक्सेस में हम मेरा तो 22 लाख तक चला गया। 22 लाख आपके नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे ना, मेरे कॉलम ज्यादा होंगे हाँ, वो जीबी के हिसाब से दो होता सौ है, उस पर एंट्री की आप डेटा के हिसाब से होता है, तो हाँ उससे अच्छा कि उसकी जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं उस पर डिपेंड करता है सर, समझ गए ना। जैसे आपने अगर मान लीजिए कि टैक्स लिया है तो टैक्स की साइज ज्यादा होती है, तो हर एक आपकी फील्ड पे आपकी तकरीबन 16 बाइट स्टोर होती है, चाहे एक ए ही क्यों ना लिखे, इंटीजर अलग होता है और इस तरह से अलग होते हैं, तो इसका साइज डिक्रीज होता है, साइज तो मैटर है। तो अब कहने का मतलब इसमें जान लीजिए कि SME शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज, हम जैसे लोग हैं वो एमएस एक्सेस सपोर्ट करते हैं, आप एसक्यूएल सर्वर ओरेकल सैप ऐसे बड़े बड़े डेटाबेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो एक्सेस को अफोर्ड करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में इसका इस्तेमाल क्यों होता है? कॉर्पोरेट लाइफ में दो पर्पज से हम इसका यूज करते हैं। पहले पर्पस होता है हमारा डेटा कलेक्शन, जिससे कि आपको डेटा सेल्स की डेटा रिपोर्ट्स आती है, हालांकि आपकी जो सेल्स की रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होती है, आप एज ए रिपोर्ट्स एज एनालिसिस के लिए आपको दिया जाता है ताकि आप एनालिसिस कर सके, क्योंकि हर किसी को आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपके जो सेल्स की सॉफ्टवेयर्स होंगे, जो आपके ERP जो होंगे, उसका एक्सेस नहीं होता है। तो जिसके पास एक्सेस होता है वो डे टू डे डेटा के एक्सपोर्ट करके आपको मेल कर देते हैं, राइट? तो करेक्ट। उन डेटा को हम कुलेट करने के लिए एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक्सेल में एक के नीचे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उसके लिए। दूसरी चीज डेटा हैंडलिंग के लिए, एक्सेल में डेटा हैंडलिंग थोड़ा सा टफ हो जाता है जो आपके पास लार्ज डेटा या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा होते हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है, तो इसका यूज करते हैं। तीसरा, कुछ ऐसे फीचर्स हैं एक्सेस में जो कि एक्सेल में नहीं है या लेंदी है। जैसे तो जैसे कि एग्जांपल आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए कि आपकी तीन अलग अलग ब्रांचेज हैं, ए आपका B1 हो गया, ए आपका B2 हो गया, ए आपका B3 हो गया। तो अब मैं इसके कुछ डेटा प्रोडक्ट वाइज मंथ वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज डेटा लेकर आता हूँ, राइट? माफ कीजिएगा, मैं कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा था तो से डेटा में बना रहा हूं। तो कॉपी कर देता हूँ मैं बाकी में।
तीन हमारे पास शीट्स है, दिख रहा है आपको? अब मुझे यहां पे एक पिवट निकालना है और इस पिवट में मैं तीनों का डेटा को कोलेट करके चाहिए, मुझे जैन चाहिए कि तीनों ब्रांच में कितना सेल हुआ है, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेल के पिवट के हिसाब से आप जो है सीट पे पिवट लगा सकते हैं ना? हाँ सॉरी, एक सीट पे पिवट लगा सकते हैं सर? मेरे पास तीन पिवट है, तो आपको क्या है, और ये हर दिन आपके रिपोर्ट बढ़ते रहते हैं, अलग अलग फाइल भी हो सकती है, मैं तीन अलग सीट कर दिया, हो सकता है तीन अलग अलग फाइल है और हर दिन फाइल आपका अपडेट होता है, इसके नीचे डेटा ऐड होता है, मान लीजिए ये डेटा मान लीजिए एक तारीख का है, दो तारीख इसके नीचे आएगा, तीन तारीख इसके उसके नीचे जाएगा, ऐसे अपडेट होते रहते हैं। तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती होगी, एक चौथे सीट पे आप एक उसको कोलेट करेंगे और फिर उस पर पिवट लगाएंगे क्या? अब इस काम के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इस काम के लिए हम MS Access डेटाबेस को चूज करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस लेता हूं, यहां पे मैं पी डेटा करके सेव करता हूं, क्रिएट करता हूं। उसके बाद यहां से मैं इंपोर्ट कर लेता हूं अपने उस एक्सेल फाइल को, क्योंकि मेरा इसमें है डाउनलोड में, यहां पे एक्सेल डाउनलोड हमने यहां पे लिंक कर दिया ताकि वहां अपडेट हो, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ठीक है, कौन सा सीट, सीट वन बी वन, नेक्स्ट एंड फिनिश। फिर दूसरा हमने सेम दूसरे सीट को कर लिया लिंक, तो एक ही बार करना है, हर दिन नहीं करना है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली उसमें डेटा आएगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा। हाँ, क्योंकि लिंक कर रहा हूं मैं, बी टू, और फिर इसको यहां से हम फ्रॉम एक्सेल लास्ट हम बी थ्री तीसरी सीट कर लेते हैं। राइट, उसके बाद हम एक क्यूरी क्रिएट करते हैं, इसमें एसक्यूएल लिखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, बी वन बी टू बी थ्री, फ्रॉम स्टार फ्रॉम बी वन, बाद यूनियन ऑल, एसक्यूएल कमांड होता है आर फ्रॉम किस पे, जितने फाइल है सीट उतने हमें यूनियन ऑल देना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार और यहां पे
ऐड कर देते हैं। अब इस क्यूरी को मैं यहां से क्लोज, जैसे क्यूरी ऑन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे तीनों तीनों सीट का डेटा यहाँ मर्ज हो गया, हो गया। अब इसको हम यहाँ से उस फाइल को ओपन करते हैं, या किसी और फाइल पे चाहिए तो किसी और फाइल पे जाते हैं। में शॉर्ट पिवट टेबल यूज एक्सटर्नल सोर्स ब्राउज़ फॉर मोर, और हम यहां डॉक्यूमेंट में एक्सेस पी डेटा को सिलेक्ट करते हैं एंड ओपन एंड ओके। इसमें कोई विजुअल डेटा नहीं है, एक चूज कनेक्शंस, एक मिनट, इसने डेटा क्यों नहीं दिया? लॉन्च नॉट नाउ। यहाँ पे हम आते हैं गेट फ्रॉम फाइल फ्रॉम डेटाबेस एक्सेस डेटाबेस, पिवट आई थिंक डायरेक्ट क्यूरी को सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे हम डेटा तो यहां से भी हम पिवट डायरेक्ट पिवट पैच कर सकते हैं। ओह नहीं, गलती सर हुई, अलग 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 चीज है। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो एक्सेस वाली फाइल है, एक्सेस वाली फाइल में हमने जो यूनियन क्वेरी बनाया, और एक्सटर्नल डेटा सोर्स कभी भी यूनियन क्वेरी को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, उसका भी जुगाड़ है हमें, हम एक नॉर्मल क्वेरी यहां बनाते हैं, क्रिएट क्वेरी डिजाइन क्वेरी, और यहां पे क्वेरी में यूनियन क्वेरी को ऐड कर देते हैं और ए ले लेते हैं हम यहां पे, समझ गए? ये समझ नहीं आया मुझे लास्ट वाला, अभी क्या करा? यूनियन क्यूरी है, दिख रहा है ना आपको सर? तो यूनियन क्यूरी को अदर डेटाबेस जो है सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो आपने इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया क्या? नहीं नहीं, एक्सेल में कन्वर्ट किया, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल क्यूरी लिया, उसको नॉर्मल क्वेरी बना दिया। नहीं नहीं, नॉर्मल क्यूरी एक लिया, उस नॉर्मल क्यूरी में डेटा इस क्यूरी से पैच किया। क्या है, सुनिए बात, ये हमारी क्यूरी वन जो है यूनियन क्यूरी है, करेक्ट, ठीक है, साइन दिख रहा है, और हमारा एक्सेल में एक्सटर्नल डेटा सोर्स कहता है कि हम यूनियन क्यूरी क्यूरी से नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है, हमें खाए तो टेबल दीजिए या नॉर्मल क्यूरी दीजिए। अच्छा, ओके, तो नॉर्मल क्यूरी कहता है कि हम एक्सटर्नल यूनियन क्यूरी का डेटा पैच करता हूँ। हमने क्या किया, हाँ हमने क्या किया कि एक नॉर्मल क्यूरी क्यूरी बनाई, उसमें यहाँ दिख रहा है क्यूरी वन को लिंक कर, ठीक है, हमने बोला कि तुम क्यूरी क्यूरी टू जो नॉर्मल क्यूरी है वो यूनियन क्यूरी से डेटा लेगा, ठीक है ना, स्टार कर दिया तो सब आ गया। अब आप इसमें देखें, क्यूरी टू को देखेंगे तो क्यूरी टू पे पूरा डेटा आ रहा है जो कि क्यूरी वन से आ रहा है, और क्यूरी वन इन तीनों डेटा को पैच कर रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को हम एक्सेल में अब इंपोर्ट कर लेंगे, या पिवट में, अब एक्सटर्नल पिवट टेबल हमारा वर्क करेगा। आ गया? हाँ जी, सर। तो एक्सटर्नल क्वेरी सेवर पे कुछ ऐसे नियम है जैसे कि एक्सेस जो है वो आपका लिंक डेटा को नहीं कैरी करता है, आपका यूनियन क्वेरी नहीं लेता है, तो हम उसको नॉर्मल क्वेरी में कन्वर्ट कर। अच्छा, आप इन्हें इसको नॉर्मल क्वेरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या?
नहीं टेबल में क्यूरी कन्वर्ट थोड़ी होता है, फिर ये अगर टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर लिंक नहीं रहेगा ना फिर। अगर अगर लच्छे अगर हमें ऐसा कुछ करना होगा, तीन टेबल है उनको कंबाइन करके एक टेबल बना दे, ऐसा कुछ नहीं होता क्या? हाँ टेबल बन जाएगा ना, फिर लिंक नहीं रहेगा ना सर। हाँ मतलब टेबल बन जाती है ना। हाँ और मैके टेबल का ऑप्शन आता है। अच्छा, उससे बन जाएगा। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है अभी। क्यूरी के जरिए ही होगा, जब क्यूरी आप डिजाइन करते हैं ना हो जाता है ना। हाँ जैसे क्रिएट पे आप क्लिक करते हैं, एक बार में दोनों फाइल ओपन नहीं हो सकते, एज एक्सेस ओपन कीजिए या एक्सेल ओपन कीजिए। अब मैं एक्सेस ओपन कर देता हूँ। जैसे मेरा डेटा यहाँ पर है P1 में, यहाँ पर टोटल डाल दिया राइट, तो P1 में आपका जैन में 3339 है। और मान लीजिए मैं यहाँ पे गया और जैन के प्रोडक्ट 1 पे मैं इसको 200 कर देता हूँ, जैसे P1 को मैं रिफ्रेश करूंगा हो गया करेक्ट। हाँ ठीक है सर, तो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस चीज को हम एक्सेल में भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। हम क्यूरी को भी एक्सेल में लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखना इतना सिंपल नहीं होता है। चलिए ये चीज आपको मैं बता देता हूँ कि एक्सेल में वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सेल कितना इजी है। हम डेटा में जाएंगे और ये आएंगे आपका अदर सोर्सेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी डेटाबेस। ओके, और ये आपका डाउनलोड में ये सिंटैक्स मिलस। ओके किया, सीट हमने यहाँ पे एक ऐड किया, नेक्स्ट 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 और रिटर्न किया माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिट पे। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड टेबल है हमारा, तो B2 B3 तीनों टेबल ऐड कर दिया हमने यहाँ से। ये भी आपका एक्सेस की तरह ही है, देखिए पूरा का पूरा। हाँ करेक्ट करेक्ट, लेकिन इसकी सिक्के लिखने का तरीका दिख रहा है आपको सर? तरीका अलग है। हाँ इसको करेक्ट। तो इसमें मैं अगर लिखता हूँ R B1 B1, दो बार हमें B1 लिखना पड़ेगा और भी डॉलर साइन के साथ, और सिंगल कोड वगैरह जो है, हाँ सिंगल कोड है वो भी रहना चाहिए। यहाँ पे यूनियन टू स्टार ऐसे कम दिख रहा है ना, जैसे कॉलम होता है। मान लीजिए कि मुझे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 5 लेना हो, तो उस केस में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है सर। यूनियन नहीं चाहिए, हटा देते हैं। ओके आ गया। हाँ यहाँ से रिटर्न टू एक्सेल पिवट टेबल पिवट जिसमें फेच करना है। हाँ ओके ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे एक्सेस हमारा हेल्प। तो मोटिव ऑफ यूजिंग एक्सेस समझ में आ गया, एक्सेस को क्या यूज करेंगे हम? हाँ करेक्ट समझ आ गया, ठीक है ना। अब चलिए एक्सेस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको बताते हैं। लग जैसे आप जानते हो आप एक्सेल यूज भी कर एक्सेस यूज भी करते हैं, भी हम आपको बता देते हैं। मेनली चार पार्ट है, जैसे एक्सेल में आपको सीट्स होता है, रे करते हैं, तो इसमें होता है आपका टेबल जो कि मेन होता है, जो कि डेटा को स्टोर रखता है। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल की जरूरत पड़ती है, चाहे वो लिंक कर रहे हो बिना लिंक कर रहे हो, टेबल पे ही डेटा आएगा कहीं से भी उठ के आए। ठीक है
हाँ करेक्ट। दूसरा होता है आपका फॉर्म। ओके, फॉर्म का यूज क्या होता है? फॉर्म का यूज होता है डेटा को, डेटा जो होता है आपका डेटा को इंटरफेस करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप टेबल यूज कर रहे हो, डेटा इंपोर्ट करोगे तो टेबल के जरिए करोगे ना सर। लेकिन डेटा अगर मान लो एंटर करवाना है, टाइप करवाना है, तो फॉर्म के थ्रू होता है। तो फॉर्म के थ्रू करेंगे क्योंकि आप पूरी की पूरी टेबल खोल के दे दोगे तो प्रीवियस रिपोर्ट को भी चेंज वेंज कर सकता है वो। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड पे फॉर्म दे देंगे, बैक एंड में टेबल में डेटा। हाँ, तो फॉर्म के जरिए अपना टेबल एंट्री करेगा। दूसरी चीज क्या होता है कि मान लीजिए एक साथ कई सारे टेबल पे एंट्री करवाना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आप एक बिलिंग के लिए आप काम कर रहे हैं, राइट? तो आपने क्या किया कि आपने कस्टमर की आईडी डाली। कस्टमर की आईडी डालने के बाद आपने क्या किया, कस्टमर के डिटेल विटेल फिल की और प्रोडक्ट। तो आपने आपने क्या किया हुआ है, क्योंकि एक टेबल पे तो जाएगा नहीं। अब मान लीजिए ऑर्डर टेबल पे हम कस्टमर की आईडी एंट्री करेंगे, कस्टमर की डिटेल तो हमारी कस्टमर की सीट में होगी ना सर। हाँ, तो दो टेबल में एंट्री होगी, कस्टमर एक ऑर्डर टेबल में होगा और दूसरा हमारा इन्वेंट्री में जाएगी। तो मान लीजिए हमें कस्टमर का 10 चीज बेचा तो हमारे सेल्स में 10 चीज ऐड होगा, तो इन्वेंट्री से 10 चीज घटेगी ना सर। ये चीज को भी तो आपको सही करना पड़ेगा इसमें आपके स्टॉक में। तो एक ही फॉर्म के जरिए आप तीन तीन चार चार टेबल को इफेक्ट करना चाहते हैं, तो फॉर्म से ही होगा। तो फॉर्म के जरिए इंटरफेस होता है। आप देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल आपको हम अगर किसी में हमारे पास जो बहुत सारे से मान लीजिए ये देख लीजिए स्टूडेंट का जो रिलेटेड जो एक डेटाबेस है उसी से देख लीजिए। अब इसमें देख, इसमें ये सब खुद ही आ गया क्या, क्वेरी फॉर्म्स रिपोर्ट्स? हाँ, ये बना बनाया एक डेटाबेस है। अच्छा, अब जैसे ये देखो, ये आपका टेबल है जहां पे आपकी डेटा एंट्री, डेटा स्टोर हो रही है, फिल्टर्स ऑप्शंस है, सेटिंग्स है, कुछ ऐसे टेबल है आपका, गार्डियंस में गार्डियंस रिलेटेड है, ये आपका सेटिंग्स है, ये आपका स्टूडेंट का अटेंडेंस है, आपका स्टूडेंट का टेबल है, एडमिशन के समय रखा जाता है, और ये आपका स्टूडेंट और गार्जियन रिलेशनशिप जो दिखाया गया है, दिख रहा है? अब इस सब पे जो एंट्री है वो एंट्री हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एंट्री कहाँ से होगी? एंट्री होगी आपकी यहाँ क्यूरी से, सॉरी यहाँ फॉर्म से। देखिए, ये आपका अटेंडेंस सब फॉर्म है, जहां पे हम यहाँ पे अटेंडेंस का, यहाँ पे अटेंडेंस का डेट डालेंगे और यहाँ पे अटेंडेंस का स्टेटस डालेंगे, सब फॉर्म है। तो सब फॉर्म है तो ये इस पे वर्क नहीं किया, ये आपका स्टूडेंट डिटेल्स पे आएगा, ये आपका स्टूडेंट डिटेल्स है। ओके, दिख रहा है आपको सर फॉर्म? इसमें स्टूडेंट पिक्चर वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐसा फॉर्म बनाना सिखाओगे भी ना? हाँ, जरूर जरूर जरूर।
अच्छा ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैं बना हुआ इतना फॉर्मेटेड प्रॉपर फॉर्म में। हाँ फॉर्मेटिंग कर सकते, कोई बड़ी चीज थोड़ी। अच्छा वो सिंपल है, इमरान लगने में बहुत मतलब वैसा लग रहा है ना ये कॉम्प्लिकेटेड सा, इसलिए पूछ रहा हूँ। यहाँ देखिए अटेंडेंस दिख रहा है आपको, ये सब फॉर्म है तो यहाँ अटेंडेंस में आ गया हुआ है। अरे फॉर्म के एंट्री करो वो तो हमारी डेटाबेस में एंट्री होती जाती है। हाँ होती जाती है ठीक है। अच्छा इसमें ऐसा भी कुछ होता है क्या, जैसे अगर कोई बंदा खाली अटेंडेंस की एंट्री कर रहा है तो उसे खाली अटेंडेंस का ही एक्सेस देना है, बाकी और फॉर्म से ना देखे कुछ तरीके का? देखिए इसमें होता है ऐसा, लेकिन वो डेटाबेस डेटा अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस बनाने होते हैं फिर। मतलब होता है ऐसा ना, हाँ ऐसा होता है। तो आप बता दो ना। हाँ ठीक है ठीक है, ये आपके रिपोर्ट्स हैं और ये आपको फॉर्म समझ में आ गया। तीसरा आपका क्यूरी, क्यूरी के जरिए हम अपनी रिपोर्ट्स को अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं, और ठीक आप है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। फॉर्म वगैरह तो बहुत कम यूज होता है, क्योंकि आप MIS सीखना चाहते हैं ना सर, तो हाँ फॉर्म वगैरह का उतना यूज MIS में नहीं होता है, क्योंकि हमें जो डेटा आता है ना एंट्री थोड़ी करनी पड़ती है कहीं से डेटा, हाँ करेक्ट। तो हमें ज्यादातर क्यूरी की जरूरत पड़ती है और रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती ठीक है है। तो क्यूरी जिसके जरिए आप अपने डेटा को ओर मरोड़ कर एक्सट्रैक्ट करना सीखो, और फॉर्म आपका उसको फॉर्म के फॉर्मेट में, जैसे कि आपका स्टूडेंट फोन लिस्ट निकला तो ये आपका एक फॉर्मेटेड निकलेगा कि आपका स्टूडेंट फोन टाइटल आ गया, किस डेट को पेंट हुआ, कितने पेजेस है, और हेडिंग वेडिंग के साथ आया। अच्छा ये सारा ऐसे आता है रिपोर्ट। हाँ जिसको आप MS वर्ड में, PDF में, या फिर उसको प्रिंट आउट के रूप में निकाल सकेंगे। ओके ठीक है क्लियर सर। हाँ क्लियर क्लियर। अब इसमें एक तो आपका यूज होने वाली ये चीज होगी, उसके बाद इसमें क्या होगा आपको कि SQL क्यूरी तो आपने देखा ही कैसे क्यूरी में लिखेंगे, वो तो हम सिखाएंगे साथ। अगर आप सबने बोला ना कि फॉर्म में, तो फॉर्म के लिए आपको सीखना होगा VV। हाँ फॉर्म में ज्यादा इफेक्ट इफेक्ट करना चाहते हैं तो आपको VV सीखना होगा। हाँ वो तो मैंने आपको पूछा है वीपी पे। Alt F11 प्रेस करेंगे तो हाँ Alt F11 ऐसा नहीं था चलेगा।